हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एयरफोर्स एग्जामिनेशन 2020 के डेट आ चुके हैं। दोस्तों, परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की आशा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो मैथ्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, मैंने एयरफोर्स के तीन परीक्षा दिए हुए हैं और मुझे जो प्रश्न याद है उन पर ही मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मेरे चैनल पे लगभग 4 से 5 वीडियो जाएंगे और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर 4 से 5 वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपका मैथ्स में कम से कम 20 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये केवल क्लास 12 के प्रश्नों पे आधारित है। ठीक है, हमारी अगली वीडियो जो कि क्लास 11 के प्रश्नों पे आधारित होगी। सो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, द ऑप्शन इनमें से कौन सा जो है सही होगा। देखिए, अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो ऑर्डर होगा वो एम इक्वल टू एन होगा, क्योंकि 3x3 होता है, मतलब कि m भी 3 और n भी 3। मतलब कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन में कभी भी प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 2x2 का ही होता है जनरली, और 3x3 का होगा तो उसमें केवल 1010 टाइप के होंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो कितना होगा, देखिए 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, 2 × 0 0 और 4 7 जा कितना 28। ठीक है, 3 3 जा 9 और 0 × 2 0, मतलब कि 9 होगा यहाँ पे, और 3 × 0 0 और 0 × 7 कितना 7। ठीक है दोस्तों, आपको प्रश्न इस प्रकार के ही दिए जाएंगे जो कि बेहद ही क्या होंगे, आसान होंगे। ठीक है, इसका कितना होगा आंसर, 4 8 16 28 3 3 9 और 3 × 0 0 × 7, सॉरी 3 × 0 0 × 7 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 to 1। देखिए, 0 to 1 मतलब कि दो नंबर हैं और हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3x3। 3x3 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9, मतलब कि 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 कितना होता है, 512। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, ये 512 है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स NCERT से ही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए, के इंटू ए का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, के इंटू ए का ट्रांसपोज, ये के ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी डैश ए इंटू ए डैश ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए का ट्रांसपोज जो कि दिया हुआ है, ए इनवर्स के बराबर है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर नहीं होता है, मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, यहाँ सॉरी इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इनवर्स के हैं। ठीक है, हम अभी इनवर्स के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा, टैन इनवर्स। ठीक है, ए प्लस बी पे है तो क्या होगा, ए प्लस बी 2x + 3x / 1 - a × b, मतलब कि 2x × 3x दैट इज इक्वल टू π/4। तो ये कितना होगा, अगर इस टैन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पावर प्लस, मतलब कि 10π/4 दैट इज इक्वल टू 1। और ये कितना होगा, देखिए 2x + 3x कितना होगा, 5x / 1 - 2 3 जा 6 x का x x स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 5x / 1 - 6x स्क्वायर, और ये अगर उधर देखें तो क्या होगा, ये 1 - 6x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर इसको उधर लाएं तो क्या होगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5x - 1। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है। ये कितना होगा, 6x - x - 1 और यहाँ पे 6x स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 6x। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x + 1 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x + 1। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे x + 1 जो होगा कॉमन होगा, और ये कितना होगा, 6x - 1। यहाँ पे देखिए क्या होगा, x = -1 और यहाँ पे क्या होगा, 6x = 1, तो x = 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जानते हैं कि टैन में कोई भी वैल्यू -1 नहीं होता है, मतलब कि ये जो है हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, 1/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इनवर्स फंक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स कितना है, 8/17, ठीक है, प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर 9 और 5 का 25 प्लस, ठीक है, एक बार 3/5 लेंगे यहाँ पे और अंडर रूट में क्या आएगा, 1/8 का स्क्वायर बाय 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 8/17 और 25 में से, ठीक है, एलसीएम कितना होगा 25 में से 9 गया मतलब कि 16, ठीक है, मतलब कि 16 का कितना होगा 4/5, ठीक है, इंटू 8/17 प्लस और यहाँ पे 3/5 और देखिए यहाँ पे कितना होगा अंडर रूट में 17 और 17 का स्क्वायर कितना, सॉरी 289 में से 64 का कितना बचा अंडर रूट 15, मतलब कितना 225, मतलब कि 15/17, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, फंक्शन है साइन इनवर्स 2x/1+x2। दोस्तों ये जो है ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan inverse x का, ठीक है। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होगा, dy/dx, 2 जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, वो होगा 1/1+x2 और यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे गुना कर देंगे, मतलब क्या होगा 2/1+x2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये सब क्लास 12 के क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, डी साइन इंटू कॉस 2x, ठीक है, बाई डी कॉस 2x, ठीक है, इंटू डी कॉस 2x बाई डी 2x और डी 2x बाई dx, ठीक है। यहाँ पे हमने चैन रूल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस x, ठीक है, साइन का कॉस x और सॉरी कॉस इंटू कॉस टू एक्स और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ गया तो साइन 2x और 2x का क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा मतलब कि 2dx का डिस्का 1, तो कितना होगा 2 cos x into sin 2x, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें यहाँ पे साइन एक्स डिग्री को, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, साइन एक्स डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें कितना होगा, रेडियन में π/180, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे साइन एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स डिग्री ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियन में है। दोस्तों अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये जो है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक बार बताना भूल गया आपको, देखिए 1 degree जो होता है वो कितना होता है π/180 radian होता है, मतलब यहाँ पे कितना है x डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा साइन इंटू एक्स इंटू π/180, मतलब कि साइन π x/180। हम यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट बाहर निकाले तो कितना होगा, कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे π/180 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अगर हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा साइन का कॉस और ये कितना होगा π x/180 degree, ठीक है, डिग्री नहीं सॉरी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स हमें इस फंक्शन का, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो देखिए वाई कितना है, y = x³ + sin x, ठीक है, तो ये कितना होगा dy/dx = dx³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस में है और डी साइन एक्स, तो देखिए ये कितना होगा 3x² होगा और ये कितना होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम इसको d2y/dx² फाइंड करते हैं तो कितना होगा, देखिए 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और dx² का 3 into 2x, ठीक है, 3 into 2x और ये देखिए कितना होगा कॉस एक्स का कितना होगा डी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब कि 3 × 6 = −sin x, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, हमारा फंक्शन ये है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 21 cm/s। देखिए रेडियस जो है वो बढ़ रहा है किसकी रफ्तार से,
टाइम के ठीक रिस्पेक्ट में, मतलब कि डी आर बाई डी टी ये कितने हैं, 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, मतलब कि 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। और डी आर बाई डी टी जो है हमारा कितना है, वो है 21, मतलब कि 2 पाई इंटू 21, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, मतलब कि 22 42, ठीक है 42 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही दिया हुआ फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल dy/dx और स्लोप ऑफ टेंजेंट -dy/dx। तो देखिए इनमें से सही क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना होता है -d1/dy/dx और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है m=dy/dx। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे द ओनली एंड ओनली वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पार्ट 1 मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को देखा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 मैथ्स के, ठीक है क्लास 12 के पार्ट 2 मैथ्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोज को पूरी तरह से देखेंगे तो मैं आपको 25 में से 20 अंक लाने की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है हम बेहिचक होकर डिस्कशन करेंगे।